हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इंटू। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटेक्टिक मिक्सचर्स का थर्मल एनालिसिस, जिसको कूलिंग कॉपी कहा जाता है। ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकल स्टफ है जो हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, और मुझे लगता है कि जितने भी एमएससी पार्ट टू के स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट नो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इन एक्सपेरिमेंट्स को अलग अलग सेमेस्टर्स में किया जा सकता है, बट मोस्टली एमएससी में कराया जाता है, ग्रेजुएशन लेवल पे इसको नहीं कराया जाता। हम लोग बैकमैन थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, एक कूलिंग मिक्सचर्स लेते हैं और फिर हम इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम अगर किसी मिक्सचर के साथ खेल रहे हैं तो उसका यूटेक्टिक फेज डायग्राम हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो यूटेक्टिक मिक्सचर्स है, इसका फ्रीजिंग का कर्व कैसे आएगा। भला अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिस कंटेनर के अंदर मैं कंटेनर को यहाँ ड्रॉ करता हूँ। मानो मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने लेट अस से 20% बी लिया हुआ है और 80% ए लिया हुआ है, और इसका मिक्सचर है मेरे पास, और मैंने इस मिक्सचर को हीट करके लिक्विड बना दिया है। उसके बाद अब मैं इसको कूल करने वाला हूँ, तो मैं टेम्परेचर के साथ चीज़ों को देखने वाला हूँ कि टाइम के साथ टेम्परेचर क्या होता है, दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ कि टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है। अब देखो यार, एक सिंपल सा फंडा, इसके अंदर 80% ए प्रेजेंट है, यानी ए का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, अगर मैं इसको यूटेक्टिक पॉइंट के हिसाब से अगर ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो हम लोगों ने यूटेक्टिक पॉइंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पर मेरे पास 100% ए होगा, यहाँ पर मेरे पास 100% बी होगा, और मैंने अब जो कंपोजिशन लिया वो 20% बी है, और यानी कहीं यहाँ लिया हुआ है जहाँ पर मेरे पास 80% ए प्रेजेंट है और 20% मेरे पास बी प्रेजेंट है। मुझे पता है, मान लेते हैं कि ये अगर ए का मेल्टिंग पॉइंट है, दिस इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर आने के बाद ए को मेल्ट होना चाहिए था तब जब वो 100% अकेला होता, उसके साथ कोई और बी प्रेजेंट ना होता। अब सिंस मैंने उसके अंदर एक बी को ऐड कर दिया है, बी ऐड कर दिया है, तो अब क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। पहले तो इस पूरी चीज़ को मेल्ट करो, मेल्ट करो, मेल्ट कर दो, इसको पूरी को लिक्विड स्टेट में लेके चले जाओ। तो 80:20 को मैंने लिक्विड स्टेट में ले गया है यहाँ पर, अब मैं वहाँ पर प्रेजेंट हूँ। मान लेते हैं ये आपके बी का मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है, वॉट एवर यू मीन टू से, बी वहाँ पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब जब मैं इस पूरे लिक्विड को कूल करना स्टार्ट करूंगा, आई एम डिक्रीजिंग माय टेम्परेचर, जब मैं कूल करना स्टार्ट करूंगा, इनिशियली टेम्परेचर का जो फॉल है वो काफ़ी हद तक होता है, इट विल बी अ शार्प फॉल। टेम्परेचर में बहुत बाहरी अच्छी खासी गिरावट आने वाली है, द टेम्परेचर विल बी फॉलिंग वेरी नाइसली, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है अंदर। तो लेट अस से यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ ए से, टेम्परेचर गिरेगा 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 गिरेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आने के बाद ए का सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेट अस से सेपरेशन ऑफ ए स्टार्ट्स, तो ए का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। जब ए का सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद देखो यार, एक चीज़ को समझो, अब तक पूरा लिक्विड था, अब मेरा सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, तो इसमें से पहला क्रिस्टल होगा जो बनेगा। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जब लिक्विड से जब कोई चीज़ सॉलिड बनती है तो वहाँ पे लैटिस एनर्जी रिलीज करती है। आई होप आपको ये फंडा पता होगा कि वेन एवर सॉलिड इज फॉर्म, एनर्जी इज रिलीज, बिकॉज सॉलिड को मेल्ट करने में एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद एनर्जी रिलीज हो जाएगी क्योंकि पहला क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो गया है, तो इट विल बी एन एक्सो, तो सर सेपरेशन ऑफ ए को मैं कह सकता हूँ इट्स विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं बोलूंगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वहाँ से एनर्जी रिलीज होने लगती है। अब धीरे धीरे बहुत सारा ए सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारा ए सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। तो यहाँ आने के बाद जब आपका इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ सेपरेशन ऑफ ए स्टार्ट्स, ठीक है, और सेपरेशन ऑफ ए कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये हम लोगों ने अभी अभी देख लिया है कि वो एक्सोथर्मिक है। इसके बाद आपका जो ए है वो सेपरेट होते जाएगा, और ये जो पॉइंट है वो यहाँ यहाँ शिफ्ट होते जाएगा, यहाँ यहाँ शिफ्ट होते जाएगा, ये पॉइंट तब तक वहाँ पर शिफ्ट होते जाएगा जब तक पूरा का पूरा ए सेपरेट आउट नहीं हो जाता, यानी कंटिन्यूसली आपका ए सेपरेट आउट होता जाएगा और वो सॉलिड स्टेट में चलते जाएगा। इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया है, जैसे ए सेपरेट आउट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसको मेल्ट करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सर इसको फ्रीज करना पड़ेगा, जहाँ पर भी मैंने मेल्ट बोला उसका मतलब फ्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ आने के बाद जब मेरा ए सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो रहा है, वक्त के साथ ए सेपरेट आउट हो रहा है धीरे धीरे, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर इतना नहीं गिरेगा, द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विल नॉट बी दैट हाई। तो उसके बाद जो टेम्परेचर का डिक्रीमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये ब्लू लाइन आपको इंडिकेट करती है कि यहाँ से ए का सेपरेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये वो पहला पॉइंट है जहाँ से सेपरेशन स्टार्ट होता है उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इस टेम्परेचर से सेपरेट आउट होना स्टार्ट हुआ,
अब ये होते जाएगा, जब मेरा कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसे लेवल पे आ जाएगा जिसके बाद अब बी वाला भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, हम कहेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर या यूटेक्टिक पॉइंट आ गया। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो मुझे नहीं लगता है मैं जो ये वर्ड्स अभी यूज़ कर रहा हूँ इसमें आपको कहीं दिक्कत होने वाली है। इनकेस अगर आप नए हो सो पहले प्लीज़ थोड़े प्रीवियस वीडियोस को देख लो, डायरेक्ट इस वीडियो पे मत आओ, मैंने सीरीज़ में बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। तो यहां आने के बाद आपका बी वाला भी सेपरेट, अब ए भी सेपरेट आउट हो रहा है, बी भी सेपरेट आउट हो रहा है, दोनों के दोनों जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और उसका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट पर ए वाला भी सेपरेट आउट हो रहा है, बी वाला भी सेपरेट आउट हो रहा है, तो मेरा जो टेम्परेचर है वो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे कॉन्स्टेंट हो गया है, टेम्परेचर गिरेगा नहीं तब तक जब तक कंप्लीटली वो सॉलिडिफाई नहीं हो जाते। जब तक वो पूरी तरीके से सॉलिडिफाई नहीं हो जाते तब तक मेरा टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कांस्टेंट है। लेट मी से ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और लेट से ये पॉइंट डी है, और एक बार सबको पूरा का पूरा सॉलिडिफाई हो गया है तो यहां पर आने के बाद मैं क्या लिख सकता हूं, सेपरेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, एंड बी का सेपरेशन यहां से स्टार्ट होता है। तो हम इस पॉइंट को कहेंगे कि हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, हमारा यूटेक्टिक पॉइंट हो जाएगा। यहां पर आने के बाद हमारे पास यूटेक्टिक पॉइंट मिलेगा। उसके बाद एक बार आपका ए और बी पूरी तरीके से सॉलिडिफाई हो गया तब तक जब तक मेरा ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक रहेगा जब तक मेरा पूरा ए एंड बी सॉलिडिफाई नहीं हो जाता। एक बार पूरा सॉलिडिफाई हो गया उसके बाद वापस से टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग अ ग्राफ। तो देखो ये वाला जो पॉइंट था सेपरेशन ऑफ ए का था, यानी जहां पर उस मिक्सचर में से पहली बार ए सेपरेट आउट हुआ, यानी अब उस मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, तो ये बताता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। तो मैं कह सकता हूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ओरिजिनली तुमने कितना लिया था, ठीक है। उसके बाद में ये तुम्हारा पॉइंट क्या बताता है, ये तुम्हारा पॉइंट बताता है यूटेक्टिक पॉइंट कहां पर है। उसके बाद में यहां पर बताता है कि कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट्स, सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट्स यहाँ पर आने के बाद आपका सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, मतलब पूरा का पूरा सॉलिडिफाई हो गया है। और ये क्या बताता है, अब ओनली टेम्परेचर नीचे गिरेगा, यानी यहाँ आने के बाद लेट अस से आपका सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ आने तक आपका टेम्परेचर का जो स्लोप है वो ये वाला था। यहाँ आने तक देखो ये यहाँ से यहाँ आने तक आपका टेम्परेचर का शार्प डिक्रीमेंट था। यहाँ पे पहली बार ए सेपरेट हुआ उसके बाद पॉइंट वहाँ शिफ्ट होते जाएगा, टेम्परेचर गिरेगा, पॉइंट शिफ्ट होगा, टेम्परेचर गिरेगा, पॉइंट शिफ्ट होगा, और इस पॉइंट को हम कहेंगे यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, यूटेक्टिक पॉइंट आ गया है। और यूटेक्टिक पॉइंट के बाद आपका ए और बी सॉलिडिफाई हो गया। वहाँ पर आने के बाद पॉइंट थोड़ी देर तक रुकेगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, उसके बाद एक बार ए और बी पूरी तरीके से सॉलिडिफाई हो गया फिर से टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर क्या होगा गिरने लगेगा और यहाँ जाएगा। तो कैन यू सी शार्प डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, स्लो डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एंड देन शार्प डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर। वाई एक्सेस पे हम लोग टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं ना, तो यहाँ पर मेरा लिक्विड था, शार्प डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, शार्प डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, ओ ए का सेपरेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद अब टेम्परेचर धीरे 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 डिक्रीज होगा क्योंकि स्लोप आ गया। देखो चेंज इन स्लोप बताता है रेट ऑफ चेंज, तो यहाँ पर आने के बाद आपका टेम्परेचर धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, यूटेक्टिक पॉइंट आ गया। यूटेक्टिक पॉइंट आने के बाद टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्यों कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ए और बी दोनों सेपरेट आउट हो रहे हैं, उनको सेपरेट आउट होने दो, उनको सॉलिड बनने दो। एक बार ए और बी का सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर से टेम्परेचर गिरेगा। तो इसी को आप यहाँ देख सकते हो, शार्प डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, शार्प डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, फिर स्लो डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, स्लो डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, उसके बाद टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर सम टाइम टिल ए एंड बी आर सेपरेटेड आउट, तो टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर सम टाइम टिल ए एंड बी आर सेपरेटेड आउट, और उसके बाद टेम्परेचर सडनली डिक्रीजेस। अगर मैं ये लाइन को हटा दूं तो ऐसे नहीं लग रहा यूटेक्टिक पॉइंट को आप फॉलो कर रहे हो। यस एग्जैक्टली, तो जो यहाँ पर होने वाला है वही हम उसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर लाइन सिर्फ आपकी थोड़ी देर के लिए कॉन्स्टेंट हो जाती है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हम एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हम अलग अलग कॉम्पोजिशन का लिक्विड बनाते हैं। अब ये बड़ा लेंदी और बड़ा हेक्टिक है, इस एक्सपेरिमेंट से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, इस एक्सपेरिमेंट ने मुझे बहुत कॉन्ट्रोवर्सी में डाला था, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में डाला था जब मैं मास्टर्स लेवल पर पढ़ा था। मेरे टीचर्स के साथ थोड़ा मतभेद हो गया था इस टॉपिक को लेने के बाद और हमें इसके ऊपर बहुत कुछ करना पड़ा था। आई वुड सजेस्ट कि आप ये लिख के ले लो अब तक आप जितना लिखना चाहते हो, ठीक है। अब हम जरा इस चीज़ को रब करते हैं। देखो अब हमें करना क्या है ना, हम अलग अलग कंटेनर्स लेंगे और अलग अलग कंटेनर में अलग अलग मिक्सचर्स का कंपोजिशन लेंगे। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे जिसके अंदर लेट अस से 80% ए रखेंगे और 20% बी रखेंगे, फिर एक कंटेनर लेंगे
उस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे 80%, अब एक काम करते हैं इसको 70% कर देते हैं, 70% ए करेंगे, 30% उसके अंदर बी करेंगे, फिर इस कंटेनर को लेंगे, फिर थोड़ा बढ़ा देते हैं लेट अस से 60% कर देते हैं ए और 40% कर देते हैं इसके अंदर बी, ऐसे करते करते और बहुत सारे कर्व लेंगे, जैसे यहाँ पर हम लेने वाले हैं लेट अस से 20% ले लेते हैं ए को और 80% ले लेते हैं बी को, फिर थोड़ा और एक करते हैं इसमें करने के बाद 30% ले लेते हैं ए को और 70% ले लेते हैं बी को। अब अलग अलग कॉम्पोजिशंस लेने वाले हो, देखो ये कॉम्पोजिशंस अलग अलग लेने के प्रैक्टिकली कई तरीके हैं, आपने अगर प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आप अलग अलग तरीके से इनको कर सकते हो, एक चीज़ को कांस्टेंट रखो, दूसरी चीज़ को उसके अंदर ऐड करते जाओ, मेल्ट करो, कूल करो, तो आपको बार बार कंपाउंड्स को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। इस पर मेरा बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, मुझे अभी भी याद है जब मैं मास्टर्स लेवल पे था, कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, आप एक काम करो इनिशियली सिर्फ ए लो, 100% ए लो, आपने 5 ग्राम लेट अस से NaOH को ले लिया, XYZ कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, 5 ग्राम आपने AB ले लिया है, अब इसको पूरा मेल्ट करो और इसको फ्रीज करो, कहीं पर तो इसका कूलिंग होगा, वो टेम्परेचर नोट करो, तो वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब ये 5 ग्राम है ना, अब एक काम करो इसके अंदर 1 ग्राम B ऐड कर दो, या 1 ग्राम इसके अंदर B ऐड कर दो, 1 ग्राम, अब टोटल ग्राम कंपाउंड कितना हो जाएगा, टोटल ग्राम हो जाएगा 1 ग्राम प्लस 5 ग्राम, दैट गिव्स यू 6 ग्राम। अब एक काम करो ना, कंपोजिशन निकाल लो, परसेंटेज ऑफ बी विल बी 1/6 × 100 और परसेंटेज ऑफ ए विल बी 5/6 × 100, अब इनका परसेंटेज निकाल लो, समझ में आएगा, परसेंटेज निकाल। अब अगर आपको परसेंटेज बदलना है, अरे तो बाबा ए को क्यों फेंक रहे हो, वाई टू थ्रो इट अवे, फेंकने का क्यों, नया कंपाउंड क्यों लेने का, ज़्यादा केमिस्ट्री में ज़्यादा केमिकल्स महंगे आते हैं, हम सबको पता है केमिकल्स आर सो एक्सपेंसिव, वाई टू थ्रो अवे। अब इसके अंदर थोड़ा बी ऐड कर दो, और अब इसके अंदर बी को 2 ग्राम ऐड कर दो, देखो कंपोजिशन अपने आप बदल जाएगा, अब कंपोजिशन कितना हो जाएगा 2 ग्राम + 5 ग्राम, कितना निकल के आएगा, इट विल बी 7 ग्राम। अब इसमें परसेंटेज ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2/7 × 100, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5/7 × 100। देखो ना, अपने आप ए का परसेंटेज कम होगा, बी का परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगा, जब आप इसमें 5 ग्राम बी डाल दोगे, इसका मतलब क्या हो गया, आपने क्या किया, 5 ग्राम बी डाला तो 50% ये हो जाएगा, 50% वो हो जाएगा। तो कंपोजिशन को चेंज करने के तरीके हैं, हमारे लेबोरेटरीज में या आपके लेबोरेटरीज में अगर आपके टीचर आपसे ये कहते हैं कि भाई पहला एक कंपोजिशन लो, उसके अंदर ए लो, बी ऐड करो, उसको हीट करो, उसको कूल करो, उसका कप बनाओ, फिर फेंक दो, फिर नया कंपोजिशन लो, तो ये गलत है, ये गलत है। आपको ए को रखना है वहीं पे, आपको ए को रखना है वहीं पे, आप बी थोड़ा सा ऐड करो, परसेंटेज बढ़ाओ, क्योंकि परसेंटेज इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट और अमाउंट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, तो आपको सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज करना है, परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए आपको फेंकने का जरूरत क्यों है, आप एक्स्ट्रा ऐड कर दो परसेंटेज बढ़ जाएगा, और ऐड करो परसेंटेज बढ़ेगा, आई होप समझ में आ रहा है। सो चीज़ों को, केमिकल्स को कम से कम यूज़ करो, केमिकल्स आर रियली एक्सपेंसिव, और नॉट ओनली एक्सपेंसिव, जब आप उन केमिकल्स को सिंक में डाल देते हो तो यार आप उनको वेस्ट कर रहे हो, तो वो केमिकल्स कहीं ना कहीं हम और यूटिलाइज कर सकते हैं, तो रेदर देन थ्रोइंग देम अवे, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर मेरे साथ इस टॉपिक पे बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, मैंने मेरे सर के साथ लड़ लिया था इस टॉपिक पे, एंड माय सर वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट कि ऐसा करना है, ही वाज लाइक कि हर बार नया कंटेनर लेके आए, वो लाइक Why? What's the need? जब हमको वही करना है, हमको सिर्फ कंपोजिशन बदलना है ना, तो कंपोजिशन बदलने के लिए आपको सिर्फ एक किसी का अमाउंट बढ़ाते रहना है, तो उसको मेल्ट करना है, कूल करना है, और ऐड करो, मेल्ट करो, कूल करो, तो सारा एक्सपेरिमेंट हम सिर्फ किसी एक के अमाउंट को इंक्रीज करके कर सकते हैं, वाई देयर वॉज अ नीड ऑफ थ्रोइंग इट, आई होप समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कंपोजिशंस लेंगे, और अलग अलग कंपोजिशंस लेने के बाद हम इनको मेल्ट करेंगे और हम यूटेक्टिक पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे, जैसे 80% और 20% बी को लिया, इसको हम हीट करेंगे और पूरा हीट कर देंगे, लिक्विड बना देंगे, फिर उसको कूल करेंगे, तो व्हाट वी विल सी कि देयर विल बी सडन चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ आने कर के बाद फिर वो कॉन्स्टेंट स्लो चेंज होता है, फिर कॉन्स्टेंट होता है, और फिर वो शार्प डिक्रीमेंट दिखाता है, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये इसका मेल्टिंग, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका, ए का, यहाँ पर ए फ्रीज यहाँ हुआ। फिर हम सेम ग्राफ लेंगे अलग अलग के लिए, मैं एक ही ग्राफ बना रहा हूँ, फिर हम सेम ग्राफ लेंगे, फिर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस कंपोजिशन को लेंगे जिसमें ए का कंपोजिशन कम हो गया है, बी बढ़ गया है, फिर हम इसको देखेंगे कि ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने के बाद थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं, फिर उसके बाद डिक्रीमेंट आता है, कॉन्स्टेंट डिक्रीमेंट आता है, फिर कॉन्स्टेंट रहता है, तो थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ग्राफिकली थोड़ा रॉन्ग हो सकता हूँ मैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। अब तुम देखो, ये कंपोजिशन 70A और 30B का था, यहाँ पर A का फ्रीजिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, A फ्रीजिंग यहाँ सर यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट हुआ इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और यहाँ पर A का फ्रीजिंग इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हुआ, कैन यू सी दिस, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हुआ, यानी टेम्परेचर कम हो गया, और हमारा ग्राफ भी तो हमसे वही कहता है ना यूटेक्टिक का, अगर ये कंपोजिशन है, अगर देखो ग्राफ अगर इस तरीके से यूटेक्टिक आता है इस तरीके से, तो इस कंपोजिशन पे फ्रीजिंग यहाँ पर होगा,
इस कंपोजिशन पे फ्रीजिंग यहाँ पर होगा तो देर विल बी अ चेंज इन टेम्परेचर, इस कंपोजिशन पे फ्रीजिंग यहाँ पर होगा, इस कंपोजिशन पे फ्रीजिंग यहाँ पर होगा, इस कंपोजिशन पे फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए, अगर मेरे पास ये ए है, अगर जैसे जैसे बी बढ़ेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जाएगा, तो हो रहा है ना, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ था जब 180% ए था, अब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट आ गया तब आपके पास 70% ए है। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो, यूटेक्टिक पॉइंट हमेशा फिक्स होगा, यूटेक्टिक पॉइंट जो है वो यहाँ पर था और अभी भी वहीं पर ही रहेगा, यूटेक्टिक पॉइंट विल नेवर चेंज, आप कितना ही कॉम्पोजिशन बदल लो। उसके बाद अगर आप 60-40 का कॉम्पोजिशन लेके आते हो, 60-40 के कॉम्पोजिशन में आपने देखा है कि ये सडन चेंज आता, थोड़ा नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर सडन चेंज आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक, अभी भी यूटेक्टिक टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, बट फर्क सिर्फ कहाँ पर आ गया है, फर्क आ गया है कि अब ए का फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम हो गया है। If I am not wrong, please ignore lines, zigzag lines, scale पट्टी pencil नहीं है मेरे पास यहाँ पे, I hope समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे आप A का composition बढ़ाओगे, फिर एक time आएगा जब वो composition वो हो जाएगा जो होना चाहिए, the composition will be that eutectic composition, उसके समय आपका जो graph आएगा, eutectic composition पर जो graph आएगा वो direct आएगा और उसके बाद constant आएगा और फिर यहाँ आएगा। अब उसमें ना ये वाला graph नहीं आएगा, ये वाला graph, क्योंकि अब direct यूटेक्टिक कंपोजिशन का मीनिंग ही क्या होता है, यूटेक्टिक कंपोजिशन का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करो, सडनली ए एंड बी दोनों एक साथ सेपरेट आउट होंगे, यहाँ पर पहले ए और बाद में बी होगा ऐसा नहीं है, यहाँ ए और बी एक साथ सेपरेट आउट होंगे, तो ये ग्राफ किसका है, यूटेक्टिक मिक्सचर का ग्राफ है, मिक्सचर का ग्राफ है, आई होप समझ में आया। और ये वो है जो यूटेक्टिक से पहले होगा या यूटेक्टिक के बाद वाला होगा, तो यूटेक्टिक का ग्राफ यहाँ पर सिर्फ एक ही कट आएगा, अब्रप्ट चेंज सिर्फ एक ही आएगा, लेट अस से यही वो है, इससे पहले देयर विल बी नो शार्प लाइन वाला वो फंडा, ये जो ये स्लोप वाला फंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक क्या हो रहा था, पहले ए सेपरेट आउट होगा, फिर यूटेक्टिक तक पहुँचेगा, फिर बी वाला भी सेपरेट आउट होगा। यूटेक्टिक कंपोजिशन पे क्या होगा, अपना का कंपोजिशन ही वैसा है कि यूटेक्टिक मिक्सचर है वो, तो यहाँ पर पूरा मेल्ट होगा, ए और बी एक साथ सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, ए और बी एक साथ सेपरेट आउट होगा, तो कंपोजिशन टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ टाइम। तो ये इस तरीके से थर्मल एनालिसिस हम करते हैं अलग अलग कंपोजिशन बनाने के बाद। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी आपने ए से स्टार्ट किया ना, 80% ए, वहाँ साइड से स्टार्ट करोगे तो 80% बी से, तो पहले बी सेपरेट आउट होगा, बी सेपरेट आउट होगा और उसके बाद में फिर एक ऐसा कंपोजिशन आ जाएगा जिसके बाद ए और बी एक साथ सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इस तरीके से आप बनाते हो। आपको याद क्या रखना है कि अगर आपका मिक्सचर वो है जो यूटेक्टिक है, अगर वो है जो यूटेक्टिक है तो ग्राफ ऐसा आएगा। अब हमें क्या पता चलता है कि वही यूटेक्टिक कंपोजिशन है, हाँ, तो थर्मल एनालिसिस करो, जिस कॉम्पोजिशन पे ग्राफ ऐसा आएगा समझ लेना वही यूटेक्टिक कंपोजिशन है। अगर वो यूटेक्टिक कंपोजिशन नहीं है तो ग्राफ ऐसा आएगा जिसमें अब्रप्ट चेंज होगा, दिस वे विल बी दी ग्राफ। तो मैं यूं कह सकता हूं कि मैं ऊपर का चीजें रब कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दिस। अगर मुझे पहचानना है कि यूटेक्टिक कंपोजिशन क्या है तो ग्राफ को स्टडी करो। अगर आपका काइरोस्कोपिक ग्राफ ऐसा आता है इसका मतलब नॉन यूटेक्टिक कंपोजिशन, अभी तक आपने जो कंपोजिशन बनाया है वो यूटेक्टिक नहीं है। लेकिन अगर आपका ग्राफ अगर ऐसा आता है जिसमें सिर्फ एक ही अब्रप्ट चेंज है सिर्फ, तो ये यूटेक्टिक कंपोजिशन। यहां पर पहला पॉइंट बताता है फ्रीजिंग ऑफ ए स्टार्ट होता है, सेकंड पॉइंट बताता है फ्रीजिंग ऑफ ए स्टार्ट्स, ये बताता है फ्रीजिंग ऑफ बी स्टार्ट्स, बरोबर, उसके बाद टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, वेरेज यहां पर यह बताता है फ्रीजिंग ऑफ ए एंड बी स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली, एक साथ ए और बी का फ्रीजिंग स्टार्ट होगा। अब जब ए और बी एक साथ फ्रीज हो रहे हैं इसका मतलब वो यूटेक्टिक है, क्योंकि हमने वही पढ़ा है ना, जहां पर ए और बी एक साथ फ्रीज होने लगे मतलब वो उससे पहले कोई भी सेपरेट आउट नहीं होगा, ना ए सेपरेट आउट होगा ना बी सेपरेट आउट होगा। अगर वो यूटेक्टिक कंपोजिशन है तो आप फ्रीज करोगे, यूटेक्टिक पॉइंट आते ही, वो टेम्परेचर आते ही आपका ए और बी सेपरेट आउट। देखो यूटेक्टिक टेम्परेचर क्या होगा ये तो आप पहले किसी भी कंपोजिशन के ले लो समझ में आ जाएगा। जैसे यहां वाला
कॉम्पोजिशन लिया मैंने, पता नहीं कौन सा कॉम्पोजिशन है, 30-40 है, 30-70 है, या 70-30 है, या 60-40 है, यहाँ से मुझे यूटेक्टिक टेम्परेचर तो पता चल गया। हाँ, ये यूटेक्टिक टेम्परेचर होगा, यूटेक्टिक टेम्परेचर आपको पहले ही ग्राफ से पता चल जाएगा, लेकिन यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन, भाई कितना परसेंट ए लूँ, कितना परसेंट बी लूँ, जिसके बाद ए और बी एक साथ सेपरेट आउट हो सके, उसको निकालने के लिए आपको अलग अलग ग्राफ निकालना पड़ेगा। और जब ये वाला ग्राफ आएगा तब समझ लेना आप यूटेक्टिक कंपोजिशन का मेल्टिंग कर रहे थे, समझ में आया। बाकी देखो यहाँ पर भी तो सेम टेम्परेचर आ रहा है ना, यूटेक्टिक टेम्परेचर विल बी सेम, लेकिन उससे पहले जो भी ग्राफ आते थे उसमें आपको ए का या बी का, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा कंपोजिशन में कहाँ से ले रहे हो, ए पहले सेपरेट आउट होगा कि बी पहले सेपरेट आउट होगा, वो डिपेंड करता है कि कंपोजिशन ये साइड वाला है कि कंपोजिशन ये साइड वाला है। अगर कंपोजिशन ये साइड वाला है तो ए का फ्रीजिंग पहले होगा और फिर धीरे धीरे वहाँ पे जाके बी स्टार्ट होगा, और अगर कंपोजिशन ये साइड वाला है तो बी पहले स्टार्ट होगा और उसके बाद जाके ए का स्टार्टिंग होगा यहाँ आने के बाद। तो कौन पहले सब स्टार्ट होगा, कौन बाद में स्टार्ट होगा, वो डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ लिख दिया है फ्रीजिंग ऑफ ए स्टार्ट, जरूरी नहीं है ए का ही स्टार्ट होगा, हो सकता था बी पहले स्टार्ट हो अगर कंपोजिशन ये साइड में है, या हो सकता है फ्रीजिंग ऑफ बी स्टार्ट जब ये साइड में होगा। तो इट डिपेंड्स कि आप किस साइड में ले रहे हो। बट मोर ओवर हमको ये मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूटेक्टिक मिक्सचर ही है या इसका कंपोजिशन क्या होगा। सिंपल, कंपोजिशन चेंज करते रहो, कूलिंग ग्राफ बनाते रहो। जिस समय आपको ग्राफ ऐसा आने लगेगा, अब ये हेक्टिक है, ट्रस्ट मी ये बहुत हेक्टिक है। हमको अभी भी याद है ऑलमोस्ट 3 दिन हम लोगों को लगे थे इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, 3 दिन तक ये चला था। ये एक्सपेरिमेंट लेंथी होता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, कभी कभी ग्राफ प्रॉपर नहीं आता, कभी कभी आपका जो ग्राफ आएगा ना उसमें एक सडन हम्प आएगा, यहाँ पर एक सडन हम्प आता है, ऐसा टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है इंक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो रहा था सडनली इंक्रीज हो गया है। वो जो सडन हम्प आता है वो इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ होता है सॉलिडिफिकेशन का। तो वहाँ अगर ऐसा कोई ग्राफ आएगा, एक्चुअली में आइडियली ग्राफ ऐसा होना चाहिए बिना किसी हम्प के, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, सडनली एक हम्प आएगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होने के बाद टेम्परेचर ऐसे तरीके से आएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट होते समय भी एक छोटा सा हम्प आता है, उसके बाद टेम्परेचर विल दिस। सो ये जो छोटा छोटा हम्प आता है ना, ये छोटा छोटा हम्प इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो डोंट गेट पैनिक्ड कि यार ये हम्प क्यों आया, टेम्परेचर सडनली इंक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो हम्प हो गया आएगा ही, द टेम्परेचर विल राइज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद फिर से वो ठंडा हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो इनकेस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक वीडियो है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करो इन्हें स्टूडेंट्स तक, टीचर्स तक, जहाँ जहाँ आपकी पहुँच है वहाँ तक पहुँचाओ, हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाओ, ताकि हमारी फैमिली, आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हम 50,000 क्रॉस कर चुके हैं, 50,000 सब्सक्राइबर्स, लेट्स सी कि हम कितने जल्दी आगे बढ़ते हैं, और जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस फैमिली को कितने जल्दी बड़ा कराते हो। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।